गुड इवनिंग एवरी वन, वेलकम हियर। टुडे आई एम कमिंग हियर विथ द एडवर्टाइजमेंट ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड इट्स रिक्रूटमेंट इन द ईयर 2022। इस साल केंद्रीय विद्यालय संगठन की रिक्रूटमेंट निकला है। पिछली बार 2018 से निकला था और इस बार 2022 को निकला है। हालांकि कोरोना की वजह से ये रिक्रूटमेंट 2020 का रुक गया था, अभी इस बार ये रिक्रूटमेंट निकला है। तो आप लोगों को मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ प्राइमरी टीचर्स इन केंद्रीय विद्यालय संगठन, नॉट ओनली ऑफ प्राइमरी टीचर्स बट ऑल्सो पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सारे पोस्ट का लाइब्रेरियन, स्टेनोग्राफर, सिविल इंजीनियर, सारे पोस्ट निकला है। पर मैं अभी इस वीडियो में प्राइमरी टीचर्स की रिक्रूटमेंट, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जामिनेशन सेंटर, फी पेमेंट एंड हाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्म, ये सारे मैं बताऊंगा। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ प्राइमरी टीचर इन केंद्रीय विद्यालय संगठन, देखिए यहाँ पे 25 रीजनल ऑफिसेस लोकेटेड आगरा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, ये सारे सिटीज में आपका पोस्टिंग होगा अगर आप लोग ये एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। तो अभी हम चलिए देखते हैं कितने पोस्ट निकला है और कौन से कैटेगरी में ये कितना डिवाइडेड किया गया है। टोटल पोस्ट है 6414, मतलब 6414 पोस्ट है। हालांकि मैं और एक बात बताना चाहता था कि 2018 में जो पोस्ट निकला था 5300 का पोस्ट निकला था, पर रिड्यूस करके इसको 3000 में कन्वर्ट कर दिए थे, मतलब 2300 पोस्ट को रिड्यूस कर दिया गया था। और इस बार शायद ऐसे नहीं होगा क्योंकि ये जो पोस्ट है 4 साल के बाद निकला है, तो ये वाला होने की चांसेस नहीं है। चलिए दूसरी बात बताता हूँ, ये 6414 जो है, 6414 मतलब 6414 पोस्ट, इसमें से EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 641 है, देन ST कैंडिडेट का 481 पोस्ट है, 481, SC का 962 और OBC का 1731, इतने सारे पोस्ट है। एज यू कैन सी आई विल अपलोड दिस PDF, इसका PDF का लिंक मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा और आप डाउनलोड भी कर सकते हो खुद पढ़ने के लिए। उससे पहले आप समझ लीजिए, यू आर ऑन रिजर्व में जो है 2599, मतलब लगभग 2600 पोस्ट है। सो ट्राई टू अचीव दिस पोस्ट दैट इफ यू आर इन कैटेगरी सेक्शन और आपको अगर स्पेशल कंसल्टेशन मिल रहा है, कॉन्सेशन मिल रहा है, तो आप इस रिजर्व को टारगेट करो, ये अचीव हो जाएगा अगर आपका स्पेशल कैटेगरी है। ओके, फिर और कुछ बताऊंगा, ये ऑन रिजर्व बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, मतलब ऑन रिजर्व मतलब ये जनरल कैटेगरी के लिए है, उसके साथ साथ बाकी सब भी इसमें आ सकते हैं इफ़ यू आर ब्रिंगिंग हायर मार्क देन ए जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। उसके बाद ये जो है आपको इस नोटिफिकेशन में ये सारे है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये इसको आपके स्पेशल चाइल्ड और स्पेशल कैंडिडेट के लिए है, इसमें डिजेबिलिटी के लिए है और उसका फुल फॉर्म ये दिया गया है, ये मैं दूसरे किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। उससे पहले PRT का सैलरी जो है वो बेसिक पे BP 35400 से 1,12,112,400 तक है, मतलब ये बेसिक पे है। इसके आधार पर आपको मिलेगा TA, DA, TA on DA, HRA, ऐसे करके 4 चीज़ें ऐड होता है। आफ्टर दैट यू विल गेट द सैलरी लगभग 43,000 तक आपको मिलेगा, ठीक है। अगर इसमें भी बहुत सारे हैं वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, XYZ कैटेगरी में है, X कैटेगरी में अगर आपको मिल रहा है तो वो 9% HRA होगा, Y में 18% HRA होगा, Z में 27% HRA होगा, तो सैलरी में डिफरेंशिएट क्रिएट होता है। तो
इस बात को चलते हुए इफ़ यू आर न्यू फॉर आवर चैनल प्लीज लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स दैट दे विल गेट ऑल्सो द नोटिस एंड दे विल प्रिपेयर themselves फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो अभी चलिए जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉर प्राइमरी टीचर। मैं दूसरे वीडियो में डालूंगा PGTE और असिस्टेंट कमिश्नर वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल ये सारी पोस्ट के लिए। तो देखिए सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, मतलब वो DLED के होंगे 50% मार्क्स से, 50% या उससे ज़्यादा। फिर सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विथ 50% मार्क्स फोर ईयर बैचलर एलिमेंट्री। अभी DLED के साथ आपका बैचलर डिग्री भी ऐड हो रहा है, वो वाला किए होंगे, उसमें भी 50% मार्क्स से ज़्यादा चाहिए। देन आपका डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, अगर मैं उसमें भी दो ईयर का किए होंगे, उसमें भी आपको 50% चाहिए। लगभग 50% से ज़्यादा ही हर एक रिक्रूटमेंट में मांगता है। और BEd किए होंगे तो उसके लिए भी 50% से ज़्यादा होता है। हालांकि 2018 की रिक्रूटमेंट के पहले से BEd वालों को इंक्लूड नहीं किया जाता था, BEd वाले इंक्लूड नहीं होते थे प्राइमरी टीचर में, लेकिन 2018 के बाद BEd भी इंक्लूड किया जा रहा है प्राइमरी टीचर की एलिजिबिलिटी के लिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको चाहिए CTET का सर्टिफिकेट भी चाहिए, P1 ये प्राइमरी टीचर के लिए होता है और P2 होता है 6-8 TGT के लिए। तो हमारे तो प्राइमरी टीचर का मैं बता रहा हूँ, तो प्राइमरी टीचर के लिए आपको चाहिए P1 CTET का क्लियर CTET, ठीक है ओके। नाउ क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट P1 में बता रहा था। देन प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया, ये आपका इंटरव्यू के काम के लिए है, इंटरव्यू के टाइम ये जरूरी है प्रोफिशिएंसी टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश, बिकॉज केंद्रीय विद्यालय संगठन इज एन इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हिंदी सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो देयर, दैट इज व्हाई वी नीड टू प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्लासरूम सिचुएशन एज वेल एज योर कम्युनिकेशन विद द चिल्ड्रेन। देन केंद्रीय विद्यालय संगठन में टीचर्स नॉट ओनली टीचिंग बट ऑल्सो दे आर डूइंग सम ऑफिशियल वर्क, दैट इज वाई इट्स नीड टू बी ए नोन पर्सन एंड वर्किंग पर्सन विद द कंप्यूटर, कंप्यूटर का नॉलेज आपको चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपको काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, दूसरों का मदद लेना पड़ेगा और आपको ये सीखना है। और हालांकि इस टाइम पे ऑल आर कंफर्टेबल विद द कंप्यूटर मोबाइल एवरीथिंग और सोशल मीडिया थिंग्स ओके, दैट इज व्हाई इट इज मैंडेटोरी फॉर यू टू नो द कंप्यूटर नॉलेज व्हिच विल बी हेल्प यू इन योर जॉब और अदर थिंग्स। देन इम्पोर्टेंट नोटिस है BEd कैंडिडेट के लिए, यू कैन सी हियर, हम ऐसे छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं, फिर बाद में एग्जाम दे के पास करने के बाद कोई चीज़ हम भूल जाते हैं, इसीलिए मैं एक एक करके बारीकी से बता रहा हूँ कि क्या क्या करना है क्या क्या नहीं। BEd कैंडिडेट कैन अप्लाई एंड गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस बट दे आर इंक्लूजन इन द पैनल बेस्ड ऑन मेरिट विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ SLP इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। हाउ एवर वंस कैंडिडेट अपियर इन रिटन एग्जामिनेशन फीस पेड बाय द एप्लीकेंट विल नॉट बी रिफंडेड। देखो BEd कैंडिडेट जो है सिलेक्शन प्रोसेस इंक्लूसन पैनल और मेरिट बेस्ड होगा, जो कि अगर BEd कैंडिडेट का सुप्रीम कोर्ट से जो भी ऑर्डर आएगा उससे अगर आपका नहीं हो रहा है तो आपका जो पेमेंट किए हैं आप वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, ये मतलब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दे रहा है ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई स्पेशल ऑर्डर आता है एट दैट टाइम इट विल नॉट बी रिफंडेड, क्योंकि आपका इस बार का फॉर्म फिलअप 1500 से हो रहा है, पिछली बार हमारे टाइम 2018 में ये हुआ था ओनली 500 में ठीक है, इस बार का इसका प्राइस कुछ ज़्यादा ही है, 1500 रुपये का कर दिया गया है ठीक है, क्योंकि PRT TGT PGT ये तीनों पोस्ट के लिए 1500 है, और उसके साथ साथ लाइब्रेरियन के लिए भी PRT म्यूजिक के लिए भी उसके लिए भी 1500 रुपये के देना होगा, लेकिन
वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और असिस्टेंट कमिश्नर के लिए उसका 2300 मतलब 2300 रुपये का पेमेंट है। और आपका रह गया जो स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, ये सारे में 1200 रुपीज़ का पेमेंट है। तो पेमेंट कुछ ज़्यादा नहीं है केवीएस की नौकरी को देखा जाए तो। यू कैन चूज एनीथिंग टू पे, आप डिजिटल मोड से दे सकते हो जैसे कि फ़ोन पे हो गया, या फिर आप एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड से दे सकते हो, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से दे सकते हो। ओके, दैट इज अनदर मैटर। एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी, आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन क्या है, मैं पढ़ देता हूँ। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 ईयर, वुमेन के लिए देखो 10 ईयर दिया गया है ओनली फॉर टीचिंग पोस्ट। पीजीटी टीजीटी एंड पीएफटी के लिए वुमेन के लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। केवी एम्प्लॉई नो एज बार, क्योंकि वो पहले से ही केवी में है, केवी एम्प्लॉई जो है उनके लिए कोई एज बार नहीं है। देन कैंडिडेट 3 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो गेट दिस फैसिलिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो नौकरी कर रहे हैं और केंद्रीय विद्यालय संस्था में आना चाहते हैं तो उनको भी ये फैसिलिटी मिलेगा, जैसे कि जनरल को 5 ईयर, ओबीसी को 8 ईयर एंड एससी एसटी को 10 ईयर्स। ठीक है, देन पर्सन इन ऑर्डिनरी डोमिसाइल इन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जो रहते हैं 1/1/1982 31 December 1989, मतलब 1980 से लेके 1989 तक जो लोग है, ठीक है, 1982-1989 ये जो लोग भी यहाँ पे है जम्मू कश्मीर में, उनको एज रिलैक्सेशन है कितनों दिनों का, 5 ईयर्स का। देन पर्सन विद डिजेबिलिटी 15 ईयर 13 ईयर 10 ईयर, ओबीसी के लिए 13 ईयर, एससी एसटी के लिए 15 ईयर और जनरल कैटेगरी के लिए 10 ईयर है, यू कैन सी हियर। देन एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी 5 ईयर, ग्रुप ए पोस्ट के लिए, ठीक है। देन एक्स सर्विसमैन ओबीसी 8 ईयर, 3+5 ईयर फॉर ग्रुप ए पोस्ट ओनली, ऐसे आप देख सकते हो, यू कैन सी इन द पीडीएफ ये सारी चीज़ें। आप स्पेशली अगर आपका क्वालिफिकेशन कुछ ऐसे हैं तो आप लोग देख सकते हैं, यू कैन रीड हियर। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू सम मोर हियर। ऑल द कंसेशन मेंशन्ड अबव विल बी कंकरेंट, इफ ए पर्सन इज एलिजिबल फॉर मोर देन वन कंसेशन, ओनली वन ऑफ द कंसेशन ऑफ द हाईएस्ट प्रीमिसेस परमिसिबल लिमिट विल बी ग्रांटेड। इसका मतलब ये है कि अगर एक कैंडिडेट को दो फैसिलिटी मिल रहा है, जैसे कि वो एसटी कैटेगरी में भी या एससी कैटेगरी में भी आते हैं, प्लस मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ नॉट ओनली इन एससी के एसटी, या फिर ओबीसी में आ रहे हैं और वो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आ रहे हैं, या फिर डिजेबिलिटी में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको एससी एसटी वाला सुविधा भी मिलेगा और ओबीसी वाला सुविधा मिलेगा उन और डिजेबिलिटी वाला भी सुविधा मिलेगा, नहीं, उनमें से दोनों में से जो उनके लिए फ़ायदेमंद है वही वाला सुविधा उनको मिलेगा, जैसे कि डिजेबिलिटी में उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा तो डिजेबिलिटी वाला फ़ायदा उनको मिल सकता है और एससी एसटी वाला कट जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर 2-3 कॉन्सेशन उनको मिल रहा है तो वो जो कॉन्सेशन लेना चाहते हैं उस क्षेत्र में उनको फॉर्म डालना है और उसी हिसाब से उनको उसका फैसिलिटीज मिलेगा। ओके, और ये कुछ एजुकेशनल कट ऑफ और उसके सिलेक्शन के ऊपर कुछ बेस्ड है, ये आप पढ़ सकते हो। देन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए स्पेशली कुछ दिया गया है, ये भी आप पढ़ सकते हो। ये हमारे लिए सभी कैंडिडेट के लिए, मतलब जनरली एक हमारे कैंडिडेट के लिए ज़रूरी नहीं है। मोड ऑफ सिलेक्शन, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कैंडिडेट्स दैट कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट। इसका मतलब ये है कि जैसे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का एग्जामिनेशन होता है, रिटर्न देन इंटरव्यू देन आपका सिलेक्शन होता है। हमारे टाइम पे मतलब 2018 में ये था कि रिटर्न का 85% लिया जाता था और इंटरव्यू का ओनली 15% लिया जाता था,
बट इस बार मोड चेंज किया गया है, रिटर्न का 70% और इंटरव्यू का 30% ऐसे कर दिया गया है। जैसे कि हम इग्नो का एग्ज़ाम देते हैं तो उसका मार्किंग ऐसे ही होता है, असाइनमेंट का 30% और थ्योरी का 70%, ठीक उसी तरह किया गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन यू कैन सी हियर, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस ऑफ रिटर्न, देन एन इंटरव्यू टेस्ट विल बी देयर। लेकिन इस बार कहाँ, उससे पहले 2018 में जो हमारे टाइम पे था तब हुआ था, ऑफलाइन में एग्जाम हुआ था और हमारा सेंटर भुवनेश्वर दिया गया था। बट अभी इस बार CBT होगा ऑनलाइन, ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन में टेस्ट होने के बाद आपको ये सुविधा मिल रहा है कि आप अपने नियरेस्ट टाउन और सिटी से एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहाँ कहाँ एग्ज़ाम हुआ है होगा सॉरी कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होगा वो सारे जगह बताया गया है। आंध्र प्रदेश में देखिए कितनी जगह, नहीं तो पहले कैपिटल्स में होता था, जैसे कि ओडिशा की भुवनेश्वर में हम लोग एग्ज़ाम देने गए थे, इंटरव्यू हमारा कोलकाता में हुआ था। ठीक है, इंटरव्यू तो ऐसे ही होगा जैसे पहले होता था, पैनल होगा डिफरेंट स्टेट्स एंड हाई पॉपुलेटेड मेट्रो सिटीज़ में होगा। देखिए हम उड़ीसा में, जैसे कि उड़ीसा का हूँ तो उड़ीसा का मैं बता देता हूँ, इस तरीके से आप अपनी स्टेट के भी देख लीजिएगा। देखिए कितने सारे जगह दिया गया है एग्जामिनेशन, पहले इतने सारे जगह एग्जामिनेशन का नहीं दिया जाता था। यू कैन सी फ्रॉम द PDF ऑल द स्टेट्स हैव देयर एग्जामिनेशन सेंटर। उड़ीसा का देखिए बालासोर, बेरमपुर, भद्रक, भुवनेश्वर, कटक, ढेंगानाल, राउरकेला, संबलपुर, ये इतने सारे 8 या 9 सिटी दिया गया है आपका एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक उसी तरह बाकी स्टेट्स का भी कम से कम 4 या 5 जगह दिया गया है जो कि आपकी नेटिव प्लेस से, रहने वाले जगह से नियरेस्ट हो सकता है। सो इट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू, यू डोंट नीड टू गो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, सो इट इज़ द एग्जामिनेशन सेंटर्स, आप जब जितनी जल्दी होगा फॉर्म डालेंगे, अपनी एग्जामिनेशन सेंटर चूज करेंगे, उतनी जल्दी ही आपको आपका सेंटर प्लेसमेंट हो जाएगा। नहीं तो अगर देरी करोगे फॉर्म डालने में तो आपकी नेटिव प्लेस से आपसे घर से दूर थोड़ा जाना भी पड़ सकता है। ओके, सो ये कुछ नोट है CBT के लिए। द सिटीज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी डिसाइडेड बाय KV थ्रू द परफॉर्मेंस ऑप्शन सबमिटेड कैंडिडेट एक्सटेंड ओनली एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर नोट्स। मतलब जिस स्टेट्स में जितना कैंडिडेट दिख रहा है फॉर्म डाले है उसी हिसाब से उनको उनकी सिटी मिलेगा। अगर CBT के लिए प्लेस नहीं हो रहा है, जैसे कि संबलपुर में मान लीजिए आपको 1500 सीट है CBT टेस्ट के लिए और कैंडिडेट निकाल रहे हैं ओनली 100, तो इसके लिए हालांकि नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ पॉसिबिलिटी की, इसमें संबलपुर का सिटी आपको नहीं दे सकते हैं, जहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कि राउरकेला में मान लीजिए 1600 सीट है और कैंडिडेट निकल रहे हैं 1000, तो ये वाला जो 100 संबलपुर का है ये इधर ले आएगा, ये जब 1100 हो जाएगा कैंडिडेट तो 1600 ये राउरकेला सिटी कर देगा, संबलपुर सिटी काट देगा। हालांकि ऐसा नहीं है, और एक पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए संबलपुर में 1500 सीट है और कैंडिडेट आ रहे हैं 1700, तो जो पहले फॉर्म डाले हैं 1500 कैंडिडेट जो पहले फॉर्म डाले हैं उनको पहला प्रेफरेंस वो दिए हैं संबलपुर, तो उनको 1500 सीट में भर्ती हो जाएगा, और जो 200 बच गए कैंडिडेट उनको उनकी दूसरी ऑप्शन में मिलेगा, मिलने की चांसेस है अगर वहाँ पर खाली है तो। ठीक है, तो यही है, ये हर एक एग्जामिनेशन में यही रूल फॉलो किया जाता है कि दोज हु हैव फिल्ड देयर फॉर्म फर्स्ट दे विल गेट देयर चूजन प्लेसेस। ओके, देन हाउ टू अप्लाई, ये कैसे अप्लाई करना है, वही जैसे कि ऑनलाइन होता है, आप लोगों का अपनी ID कार्ड जो आप दिए होंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फॉर्म फिलअप, दैट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर यू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर CBT टेस्ट। देखा मैंने यहाँ पे पहले से बताया था, प्राइमरी टीचर के लिए इस बार का 1500 रुपये किए हैं, TGT के लिए भी 1500, PGT के लिए भी 1500, म्यूजिक के लिए भी 1500, लाइब्रेरियन के लिए भी 1500, लेकिन
इधर 2300 मतलब 2300 रुपये किए हैं वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट के लिए, और 1200 रुपये किया गया है आपका स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट सेक्शन स्टेनोग्राफर, देन असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, ऐसे करके इनके लिए 1200 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, वो भी ऑनलाइन मोड पे। ठीक है, ये देखिए कमेंसमेंट ऑनलाइन सबमिशन ऑफ के भी वेबसाइट है 5/12/2022 मतलब 5/12/2022 इस तारीख की 10 बजे से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप करना शुरू कर दीजिएगा। एंड लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन है 26/12/2022 मतलब कितने दिन टाइम दे रहा है, 20 डेज टाइम है आपको आपके फॉर्म फिलअप करने में। सो हरी अप डियर एस्पिरेंट्स और डियर कैंडिडेट्स, यू नीड टू अप्लाई फॉर्म वेरी फर्स्ट दैट यू विल गेट योर चूजन प्लेस्ड फॉर योर एग्जामिनेशन एंड इट विल बी नॉट ए स्ट्रेसफुल एंड हार्मफुल जर्नी फॉर यू। आपके लिए कोई ज़्यादा दूर जाके एग्ज़ाम देना या फिर स्ट्रेस लेके इतना दूर जाऊंगा कैसे थक जाऊंगा ये नहीं होगा अगर आप जल्दी फॉर्म फिलअप करोगे तो। देन डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन ये आपको बाद में KVS वेबसाइट में अपलोड हो जाएगा, विल बी नोटिफाइड सून इन KVS वेबसाइट। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट्स के लिए जो कि आपको आपके एडमिट कार्ड में भी मिल जाएगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर CBT टेस्ट। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है और मैं ये वीडियो का जो PDF है इस वीडियो की लिंक में शेयर कर दूंगा। इफ़ यू आर लाइक एंड इफ़ यू वांट टू गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनीथिंग अबाउट KVS इट्स एग्जामिनेशन सिस्टम एंड हाउ वी कैन अचीव द एग्जामिनेशन एंड व्हाट शुड बी द सिलेबस फॉर PRT टीचर्स एंड व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज वी हैव टू अप्लाई फॉर अपियरिंग द एग्जाम और क्लियर द एग्जाम, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और उसके साथ साथ आप इस चैनल को, अगर आप नए हैं और इंफॉर्मेशन आपको जानना है, यू कैन लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल दैट इफ एनी वीडियो विल बी अपलोडेड that notification will be get by you very soon after the uploading. Okay, dear children, not children, dear friends, thank you for watching this video. Have a beautiful day and all the best to apply this form.